जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। दोस्तों, अगर अभी आप किसी परेशानी या तकलीफ़ से गुजर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। उसका शुल्क, उसका फ़ीस लागू है। दोस्तों, कई बार हम और आप ये गलती कर देते हैं कि किस भगवान की पूजा करें और इससे कहीं हमारी उन्नति रुकी तो नहीं है। हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसकी वजह से हमें ये पता नहीं होता है कि हम किस तरह से चीज़ों को मैनेज करें। तो आज इस पूरे वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कहीं आपकी उन्नति इस वजह से तो नहीं रुकी हुई। और आप डेफिनेटली ये बात मानिए, ये बात जानिए कि ज़्यादातर जातकों के साथ ये चीज़ ज़रूर घटित होती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिससे आपके जीवन में कई सारी परेशानियाँ तकलीफ से आप बाहर आ सकते हैं। एक छोटा सा निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, कमेंट्स में लिखिए ओम नमः शिवाय, जय श्री शंभो, हर हर महादेव। और अगर कुछ भी बात आपको इस वीडियो में अच्छी लगती हो तो उसे ज़रूर कमेंट्स में लिखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कुंडली का विश्लेषण यदि हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें, फिर आप बात कर सकती हैं। सबसे पहली और मुख्य बात है कि अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो अपनी कुल देवी के प्रति पूर्ण श्रद्धावान नहीं होते। मतलब बहुत सारे जातक तो होते हैं लेकिन अपनी कुल देवी, पहले तो पता करो कि हमारी कुल देवी कौन है। ज़्यादातर जातकों को पता है लेकिन बहुत से जातकों को नहीं पता है। दूसरी, ये कुल देवी जहाँ भी हो वहाँ जाकर दर्शन परिवार सहित एक बार ज़रूर करें, क्योंकि कुल देवी जो होती है वो हमारे पूर्वजों द्वारा, जो हम जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, जिन देवी का हम पर असीम कृपा है, उनकी शरणागत हमें सबसे पहले होना होगा। और कुल देवता हर एक व्यक्ति के, हर एक गोत्र के, हर एक व्यक्ति के कुल देवता और कुल देवी अलग अलग होते हैं। तो पहले तो उन्हें जाने और उनकी शरणागत जरूर हो। और अगर नहीं हुए हैं और मान लीजिए कुल देवी नहीं पता है, तो कोई भी देवी जो आपके शक्तिपीठ हो आपके घर के आसपास, उन्हें अपनी कुल देवी मानकर, क्योंकि देवी का स्वरूप सभी एक ही है। और कुल देवता जो भी अपने घर के पास प्रख्यात मंदिर, उन्हें कुल देवता मानकर आप कर सकते हैं, क्योंकि कुल देवी और कुल देवता की कृपा से ही हमारे जीवन में उन्नति होती है, हमारे जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी होती है। कुल देवी का साल में एक दिन आता है, उस दिन को परिपूर्ण होकर आप मनाएं, उपास करें, जो भी व्यवस्थाएं आपसे हो सके उपास करें, वो कोशिश करें कुल देवी और कुल देवता के नाम पर। साल में दो दिन जरूर ये चीज़ करें, क्योंकि कुल देवी और कुल देवता हर एक पीढ़ियों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस कलयुग के युग में। और इसी से हमारी जो है उन्नति रुकी हुई है, इसी से हमारे परिवार की ग्रोथ, इसी से कई सारी चीज़ें रुकी हुई हैं।